अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का जो हमारा सेशन है वो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले फायर ट्रक के क्वेश्चन और आंसर के बारे में है। इसमें टोटली वो क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में फायर ट्रक के बारे में पूछे जाते हैं। और मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर इंटरव्यू में आपसे फायर ट्रक के बारे में कोई भी क्वेश्चन किया गया तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकोगे। और इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर का ये पार्ट 4 है। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हुए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन के फायर की गाड़ियां कितनी टाइप्स की होती हैं, तो इसका जो आंसर है वो है फायर की जो गाड़ियां मोस्टली हैं वो 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली गाड़ी स्टैंडर्ड व्हीकल और दूसरी गाड़ी FTR और तीसरी गाड़ी FRV। FTR मतलब फायर ट्रक और FRV एब्रिवेशन है फायर रेस्क्यू व्हीकल। स्टैंडर्ड फायर व्हीकल सबसे पहले डिजाइन की गई थी, ये अब नहीं आ रही, अब खत्म कर दी गई है। अब मोस्टली 2 गाड़ियां आ रही हैं, FTR और FRV। ये बड़ी गाड़ी होती है और ये छोटी गाड़ी होती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फायर ट्रक में आप कितना पानी भर सकते हैं। क्वेश्चन पे आपने गौर करना है कि वो फायर ट्रक का पूछ रहा है या फायर रेस्क्यू व्हीकल का पूछ रहा है। अगर तो फायर ट्रक का पूछ रहा है तो फायर ट्रक की जो वाटर कैपेसिटी होती है वो होती है 7,000 लीटर और इसकी जो फॉर्म की कैपेसिटी होती है वो होती है 500 लीटर। और अगर तो वो आपसे रेस्क्यू व्हीकल का पूछ रहा है तो इसकी जो वाटर कैपेसिटी होती है यानी कि पानी का जो टैंक होता है उसका साइज जो होता है उसमें हम 3300 लीटर जो है वो पानी भर सकते हैं, और इसकी फॉर्म की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 300 लीटर। और ये जो स्टैंडर्ड फायर व्हीकल है ये अब न्यू तो नहीं आ रही, लेकिन जो पुरानी है इनकी जो वाटर कैपेसिटी है वो होती थी 4500 लीटर, और जो इसकी फॉर्म कैपेसिटी होती थी वो फायर रेस्क्यू व्हीकल की तरह 300 लीटर होती थी। यानी कि 4500 लीटर इसमें पानी आता था और 300 लीटर जो है वो इसमें फॉर्म आता था। और अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि फायर ट्रक का जो इंजन होता है वो कितने हॉर्स पावर का होता है, तो फायर ट्रक का जो इंजन है वो 200 हॉर्स पावर का होता है और इसके 4 स्ट्रोक होते हैं और ये 6 सिलेंडर का होता है। और अगर फायर रेस्क्यू व्हीकल के बारे में पूछ यानी कि FRV में, तो इसका जो इंजन होता है वो 100 हॉर्स पावर का होता है, 4 स्ट्रोक होते हैं और ये 4 इसमें सिलेंडर का इंजन होता है। अगला क्वेश्चन के फायर ट्रक जो है 1 मिनट में कितना पानी बाहर फेंकती है, तो ये जो फायर ट्रक होता है ये 3000 लीटर जो पानी है वो 1 मिनट में बाहर फेंकती है पर मिनट, कितने बार पे? 10 बार प्रेशर पे। और जो फायर रेस्क्यू व्हीकल होती है ये 1600 लीटर जो है ना पानी वो 1 मिनट में बाहर फेंकती है, ये भी 10 बार प्रेशर पे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायर ट्रक में हम पानी कितने तरीकों से भर सकते हैं, तो हम फायर ट्रक में पानी जो है इसका आंसर है वो हम 3 तरीकों से भर सकते हैं। पहला तरीका जो होता है वो होता है ओवर हेड मेथड, यानी कि टैंकी का आपने ऊपर वाला ढक्कन खोला वहां से आपने पानी भर दिया। और दूसरा जो होता है वो होता है सक्शन पाइप से, जो ऊपर फायर ट्रैक के ऊपर 2 सक्शन पाइप होते हैं वहां से आप वो अटैच करके पानी भर सकते हैं। और जो तो तीसरा तरीका होता है वो होता है हेडर लाइन से। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप फायर फाइटिंग कितने तरीकों से कर सकते हैं, यानी कि पानी को डिस्चार्ज कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो फिलिंग रिफिलिंग करने के भी 3 तरीके हैं और फायर फाइटिंग करने के भी 3 तरीके हैं। इसका भी जो आंसर होगा वो 3 ही होगा, यानी कि नंबर 1 पे हम जो होज होगा उससे भी फायर फाइटिंग कर सकते हैं साथ नोजल अटैच करके, और दूसरे नंबर पे होज रील जो होगी उसको भी उससे भी हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पे फायर
मॉनिटर जो ऊपर गाड़ी के लगा होता है, उससे भी हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो होता है कि हम फायर ट्रक से जो है वो कितनी दूर तक फायर फाइटिंग कर सकते हैं, या फायर ट्रक जो है ये कितनी दूर तक पानी फेंक सकता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा, फायर ट्रक से हम 75 मीटर जो है वो दूर पानी फेंक सकते हैं, और जो फायर रेस्क्यू व्हीकल होती है इससे हम 45 मीटर दूर फायर फाइटिंग कर सकते हैं। यानी कि हमारी नोजल से जहां से पानी डिस्चार्ज हो रहा है वहां से आगे 75 मीटर, और फायर रेस्क्यू व्हीकल में 45 मीटर दूर पानी जाता है। और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायर ट्रक के ऊपर लगा हुआ फायर मॉनिटर जो होता है उसका डाया कितना होता है। तो उसका जो डाया होता है वो 1.5 इंच होता है। उसके बाद क्वेश्चन होता है कि बफल प्लेट क्या होती है। बफल प्लेट BFFLE, ये क्या होती है। तो बफल प्लेट जब हमारी गाड़ी चलती है तो पानी जो है वो मूवमेंट जो होती है उसकी टैंक के अंदर, उसको कम करने के लिए बफल प्लेट लगाई जाती है। यानी कि ये अगर अगर हमारा पानी का टैंक है तो इसमें इस तरह से बफल प्लेट लगी होती है कि पानी जो है वो हरकत ना करे, हमारी गाड़ी जो है वो ओवरटर्न ना हो जाए। तो ये जो होती है ये फायर ट्रक में 6 होती हैं, और जो FRV होती है उसमें 3 होती हैं। और उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फायर ट्रक का जो वेट है वो कितना होता है। तो जो फायर ट्रक होता है उसका वेट 18,000 kg होता है, और जो FRV होती है इसका जो वेट होता है वो 8,000 kg होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि फायर ट्रक में जो है वो फायर होज और सक्शन होज कितने होते हैं। तो फायर ट्रक में फायर होज जो है वो 10 होते हैं, और सक्शन होज जो है वो 2 होते हैं। और इसी तरह FRV में फायर होज जो है वो 8 होते हैं, और सक्शन होज जो है वो 3 होते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन है कि फायर ट्रक के ऊपर जो पड़ी हुई लैडर होती है उसकी हाइट कितनी होती है। तो लैडर की जो हाइट होती है वो 30 फिट होती है दोनों में। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि फायर ट्रक का जो वाटर टैंक होता है ये किस मटेरियल का बना होता है। तो ये माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का। अगर ये माइल्ड स्टील का बना हुआ है तो फिर इसको जंग क्यों नहीं लगता। तो जंग से बचाने के लिए इसके अंदर जो है वो इपॉक्सी कोटिंग कर देते हैं, इपॉक्सी कोटिंग। ये जो कोटिंग होती है ये सैंड ब्लास्टिंग के बाद होती है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है कि इसका फोम टैंक जो है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो वो बना होता है रीइंफोर्स्ड फाइबर ग्लास का, और या फिर ये स्टेनलेस स्टील का भी बनाया जाता है। और एक और क्वेश्चन है कि फायर ट्रक में हम एक वक्त में कितने फायर होज अटैच कर सकते हैं। तो फायर ट्रक में हम एक वक्त में 4 होज जो है वो अटैच कर सकते हैं, और जो FRV होती है इसमें 2 होज अटैच कर सकते हैं हम एक ही वक्त में। और जो इनका डाया होता है वो 2.5 इंच का होता है, इसका भी 2.5 इंच का, इसका भी 2.5 इंच का। और एक और क्वेश्चन कि माइल्ड स्टील का जो वाटर टैंक होता है इसकी मोटाई कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी जो मोटाई होती है वो 4 mm होती है। उसके बाद क्वेश्चन है कि फायर ट्रक में कौन सा पंप यूज होता है। तो फायर ट्रक में सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हम सेंट्रीफ्यूगल पंप ही फायर ट्रक में क्यों यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये बैकवर्ड थ्रस्ट को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो हमने अचानक से आगे से नोजल बंद की है, तो पानी का जो बैकवर्ड थ्रस्ट होगा वो इंपेलर पे पड़ेगा, और इसका जो इंपेलर होता है वो बैकवर्ड थ्रस्ट को बर्दाश्त कर लेता है। अगर कोई दूसरा और पंप होगा तो इंपेलर टूट जाएगा। उसके बाद ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल का जो इंपेलर होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो वो 2 मटेरियल का बन सकता है, या तो वो ब्रोंज का बना होता है, और या फिर वो गन मेटल का बना होता है। और जो इसकी शाफ्ट होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। और उसके बाद क्वेश्चन होता है कि फायर ट्रक का ये ऊपर जो लगा हुआ फायर मॉनिटर है ये कितने डिग्री पे घूम सकता है, और कितने डिग्री पे ये एलिवेट हो सकता है। तो ये जो घूमता है, रोटेट होता है,
वो 360 डिग्री पे घूम सकता है, यानी के 360 डिग्री ये घूम सकता है, और जो एलिवेट होता है यानी के ऊपर नीचे जो इसको कर सकते हैं वो +70 और -15 होता है, यानी के आप इसको 15 डिग्री नीचे कर सकते हैं और ऊपर आप इसको 70 डिग्री ले जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सेफ्टी की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।